सीमापुर गांव एक बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ है। सीमापुर के आसपास बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां हर साल बाढ़ आती है और उन गांवों के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए सीमापुर के लोगों से मदद लेते हैं। सीमापुर में राजू अपनी पत्नी रानी के साथ रहता है। ये दोनों बहुत ही दयालु हैं। जब भी किसी को मदद की जरूरत पड़ती है दोनों हमेशा आगे आते हैं। मैं खेतों में जा रहा हूँ, तुम तब तक खाना बना लो। मैं खेत जोत कर आता हूँ और फिर हम दोनों साथ में खाना खा लेंगे। ठीक है, आप जाइए, मैं खाना पकाती हूँ। राजू अपने बैलों को लेकर खेतों की तरफ चला जाता है तो वही रानी किचन में चली जाती है और नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगती है। आज कुछ मीठा भी बनाऊंगी, इनको मीठा बहुत पसंद है। रानी जल्दी जल्दी रोटी सब्जी और खीर बनाती है। इसके साथ ही वो अलग से दो बड़ी रोटियां भी बनाती है और सारा खाना लेकर अपने खेत में चली जाती है। खेत में पहुंचकर देखती है कि राजू कड़ी धूप में खेत की जुताई कर रहा है। रानी को देखकर राजू चौंक जाता है। अरे तुम यहाँ कैसे? मैं खाना बनाकर लाई हूँ, चलो बैलों को खड़ा कर दो और पहले खाना खा लो, सुबह से भूखे हो। घर आकर खा लेता, यहाँ इस कड़ी धूप में आने की क्या जरूरत थी? अच्छा, और आप जो इस कड़ी धूप में काम कर रहे हैं उसका क्या? आप केवल अपने लिए तो मेहनत नहीं कर रहे हैं ना, तो मुझे भी आपका बराबर साथ देना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब आ ही गई हो तो जाकर पेड़ की छांव में बैठ जाओ, मैं इस खेत को पूरा जोत लेता हूँ, फिर दोनों साथ में खाते हैं। बिल्कुल भी नहीं, आप बैलों को भी छांव में खड़ा कर दीजिए और हाथ धोकर खाना खाने के लिए बैठ जाइए। पर जब तक हम खाना खाएंगे तब तक इन बेचारे बैलों को बेमतलब खड़ा रहना पड़ेगा। आप उनकी चिंता मत कीजिए, मैं दोनों बैलों के लिए भी बड़ी बड़ी रोटियां बनाकर लाई हूँ, वो भी हमारे साथ खा लेंगे। रानी खाने की पोटली को पेड़ की छांव में रख देती है और राजू भी बैलों को छांव में खड़ा कर देता है। ये लीजिए, हाथ धो लीजिए। रानी बोतल का ढक्कन खोलकर राजू के हाथों पर पानी डालती है और राजू हाथ धोकर खाना खाने के लिए जमीन पर बैठ जाता है। रानी पोटली से बड़ी वाली रोटियां निकालकर दोनों बैलों को दे देती है। ये लो, तब तक तुम भी कुछ खा लो और आराम करो, बाद में मन लगा कर काम करना। रानी की बात पर दोनों बैल सर हिलाते हैं, ये देखकर रानी बहुत खुश होती है। देखिए जी, ये बैल तो मेरी बात पर हाँ में सिर भी हिला रहे हैं, जैसे कि ये हमारे बच्चे हो। अब बच्चों के जैसे इनका ख्याल रखती हो तो वो भी तो तुम्हारी बात मानेंगे ही ना, चलो आ जाओ। रानी भी राजू के साथ खाना खाने बैठ जाती है। दोनों पति पत्नी मिलजुल कर खाते हैं। राजू खीर को देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, तुमने तो आज मन ही खुश कर दिया। मुझे पता था आपको खीर जरूर पसंद आएगी, देसी घी के साथ जो बनाई है। खाना खाने के बाद राजू खेत जोतता है और फिर दोनों लोग अपने बैलों को लेकर घर के लिए चल पड़ते हैं। राजू और रानी की शादी को कई साल बीत चुके थे पर अभी तक उन्हें कोई भी संतान नहीं थी, पर वो दोनों अपने बैलों को अपने बच्चों की तरह ही प्यार करते थे। मैं बैलों को पानी पिला कर आती हूँ, आप तब तक नहा लीजिए। इनके बैल भी बहुत समझदार थे, उन्हें कभी भी खूंटे पर बांधने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बिना बंधे ही दोनों बैल चुपचाप गौशाला में रहते थे। रानी को अचानक जोर से बादल गरजने की आवाज आती है। लगता है जोरों की बारिश होने वाली है, कहीं फिर से कोई अनहोनी ना हो जाए। कुछ ही देर में पानी बरसने लगता है और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जिससे सीमापुर के आसपास के गांवों में बाढ़ आ जाती है और वहां के लोग सीमापुर की तरफ भागने लगते हैं। वो देखिए जी, लोग हमारे गांव की तरफ आ रहे हैं, हमको घर में कुछ लोगों के रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हाँ, हम उन लोगों को अपने घर में शरण तो दे देंगे पर खाने पीने का क्या होगा? तुम तो जानती हो कि हमारे पास सिर्फ दो ही खेत हैं और उनमें केवल हम दोनों के लिए ही अनाज हो पाता है। आप चिंता मत कीजिए, जब ऊपर वाले ने हमें इतना काबिल बनाया है कि हम दूसरों को अपने घर में शरण दे सके, तो उन लोगों के खाने की व्यवस्था भी करवा ही देंगे।
रानी घर की साफ सफाई करती है और कुछ लोगों को अपने घर पर रहने के लिए बुला लेती है। इन्हीं में से एक बूढ़ी औरत भी है। तुम्हारा भला हो बेटी, तुम इस मुसीबत के समय में हम लोगों की मदद कर रही हो। जो मुसीबत की घड़ी में काम ना आए वो पड़ोसी ही कैसा। और आप तो मेरी माँ की उम्र की हैं, आपकी सेवा करना तो मेरा धर्म भी है। भगवान तुम जैसी बेटी हर माँ को दे। रानी ने इन सबको अपने घर पर आश्रय तो दे दिया था, पर रात को जब खाना खाने का समय हुआ तब ये सभी लोग एक उम्मीद भरी नजर से राजू और रानी की तरफ देखने लगे। रानी अपने हिस्से का खाना बूढ़ी औरत को दे देती है। ये लीजिए, खाना खा लीजिए, आप बहुत भूखी लग रही हैं। मैं तो सच में भूखी हूँ बेटी, पर अगर ये खाना मैं खा लूंगी तो तुम भी आज रात भूखी रह जाओगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं पानी पीकर काम चला लूंगी, आप ये खाना खा लीजिए। रानी और राजू दोनों ही अपने हिस्से का खाना घर आए शरणार्थियों को दे देते हैं, और वो ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि उनके गांव में बाढ़ का पानी कम नहीं हो जाता। बेटी, तुम दोनों घर में अकेले ही हो, क्या तुम्हारी कोई संतान नहीं है? बुढ़िया की ये बात सुनकर रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और ये देखकर बूढ़ी अम्मा सब कुछ समझ जाती हैं। चिंता मत करो बेटी, माँ अन्नपूर्णा ने चाहा तो जल्दी ही तुम्हारी गोद भर जाएगी। वो बूढ़ी औरत रानी को एक सेब देती है। ये माँ अन्नपूर्णा के मंदिर का प्रसाद है बेटी, बाढ़ के समय ये मंदिर से बहकर मेरे पास आया था, शायद माँ अन्नपूर्णा ने ये तुम्हारे लिए ही भेजा है। इसको खा लो, तुम्हारे घर में माँ के आशीर्वाद से संतान जरूर पैदा होगी। रानी माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर उसे खा लेती है, और फिर कुछ ही महीनों बाद रानी माँ बन जाती है और उनके घर में एक सुंदर सी बेटी पैदा होती है। जो दूसरों का भला करता है भगवान उस पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। मुझे तो लगता है कि ये सब उस बूढ़ी अम्मा के सेब और माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से हो पाया है। हाँ हाँ जरूर, हमारी बेटी पर माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है, देखना बड़ी होकर ये भी कोई नेक काम जरूर करेगी। राजू और रानी घर में बेटी के आने से बहुत खुश थे, अब तो जैसे मानो उनकी दुनिया ही पूरी हो गई थी। दोनों हर समय बेटी का खुद से भी ज्यादा ख्याल रखते थे। मैं सोच रही हूँ कि इसका नाम भी माँ के नाम पर ही रखना चाहिए। हाँ ठीक कहा तुमने, ताकि जब भी हम अपनी बेटी को पुकारेंगे तो हमारे मुंह से माँ का नाम खुद ब खुद लिया जाएगा। अनु नाम कैसा रहेगा? अच्छा है, क्यों अनु, नाम तो ठीक रखा है ना तुम्हारे पापा ने? अनु नाम सुनते ही अनु हंसने लगती है, जिससे रानी और राजू दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब धीरे धीरे अनु बड़ी हो जाती है। जब से अनु पैदा हुई है हम दोनों ने खेत पर ध्यान देना ही छोड़ दिया है, जाकर देखता हूँ खेत की क्या हालत हो गई है। राजू खेत में जाता है तो देखता है कि खेत पूरा सूखा पड़ा है। वो उदास चेहरे के साथ घर वापस आता है और रानी को इस बारे में बताता है। इसमें हमारी भी क्या गलती है, 6 महीने पूरे होने वाले हैं और कहीं बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी है, तो खेत तो सूखेंगे ही। वो तो ठीक है, पर खाने का क्या होगा, कल मैंने जो भी बचा हुआ अनाज था सब पिसवा दिया, अब घर में कोई भी साबुत अनाज नहीं बचा है। आज तक भगवान ने हमेशा हमारा साथ दिया है, इस बार भी हम ये विपत्ति उनके ऊपर ही छोड़ देंगे। जब तक पीसा हुआ अनाज चल रहा है पेट भर कर खा लेते हैं, बात की बाद में देखी जाएगी। पर हमें साथ साथ कुछ दूसरा काम भी देखना पड़ेगा, इस तरह हाथ पर हाथ धरे भी तो नहीं बैठ सकते। राजू और रानी दोनों काम की तलाश में निकल पड़ते हैं, और जब बहुत देर तक वापस नहीं आते तो अनु को भूख लग जाती है। माँ पिताजी को गए हुए बहुत देर हो गई है, क्यों ना आज मैं खुद ही खाना पका लेती हूँ। अनु अपने नन्हे नन्हे हाथों से बर्तन में थोड़ा सा अनाज लेती है और उसे पकाने के लिए चूल्हे पर रख देती है। आज माँ पिताजी को अपने हाथों से बना हुआ खाना खिलाऊंगी। और उतने में उसके माँ पिताजी भी लौटकर वापस आ जाते हैं। तुम ठीक तो हो ना अनु, हम दोनों को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, तुमको भूख लग गई होगी,
मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ बेटी। मैंने हम सबके लिए खाना बना लिया है माँ, आप दोनों हाथ मुँह धो लीजिए और खाने के लिए बैठ जाइए। रानी बर्तन में देखती है कि अनु ने खाना तो पकाया है पर वो बहुत कम है, और अनु की इस नादानी को देखकर रानी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। चलिए जी, आज हमारी अनु ने हमारे लिए खाना बनाया है, जल्दी से हाथ धोकर आते हैं। दोनों हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठ जाते हैं। आप दोनों हमेशा मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते हो, आज आप थके हुए हो इसीलिए आज मैं आप दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। अनु थाली में खाना लेकर अपने हाथों से एक एक निवाला लेकर अपनी माँ को खाना खिलाने लगती है, पर दो निवाला खाने के बाद रानी का पेट भर जाता है। अनु, मेरा पेट भर गया बेटी, अब अपने पिताजी को खिलाओ। दो निवालों से कैसे पेट भर गया? तुम ऐसा इसलिए कह रही हो ना ताकि मेरे लिए खाना कम ना पड़ जाए? नहीं, मैं सच कह रही हूँ, दो निवालों से ही मेरा पेट भर गया है। लगता है हमारी अनु के हाथों में माँ का कोई आशीर्वाद है। आपको भरोसा नहीं है तो आप खुद खाकर देख लीजिए। अनु अपने हाथों से अपने पिताजी को भी एक एक करके दो निवाले खिलाती है, और दो निवाले खाने के बाद उसके पिताजी का भी पेट भर जाता है। तुम तो सच कह रही थी, मेरा भी पेट दो निवालों में ही भर गया। ये क्या है अनु बेटी, तुमने ये खाना कैसे पकाया है? मैंने तो वैसे ही पकाया जैसे माँ पकाती है। जैसे भी पकाया हो, हमारी अनु को माँ का आशीर्वाद प्राप्त है। अब बहुत समय से बारिश ना होने की वजह से सीमापुर गांव में सूखा पड़ जाता है, और सभी गांव वालों के घरों में खाने के लिए अनाज नहीं बचता है। पूरे गांव में अनाज के लिए हाहाकार मचा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना गांव वालों को अपने घर पर खाने का निमंत्रण दिया जाए। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ दो या तीन दिनों तक का ही अनाज बचा हुआ है। भूल गई अनु के हाथों का खाना? हम पूरे गांव के लिए अनु के हाथ से खाना बनवाएंगे। राजू सभी गांव वालों को अपने घर पर खाने का आमंत्रण देने जाता है, और घर में अनु अपने हाथों से खाना बनाने लगती है। कुछ ही देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है, और राजू भी सभी गांव वालों के साथ घर पहुंच जाता है। आप सभी बैठ जाइए, आज मेरी बेटी आप सभी को अपने हाथों से खाना परोसेगी। सभी लोग खुश होकर खाने के लिए बैठ जाते हैं। अनु सबको पत्तल देती है, पर जब वो उनके पत्तल में खाना डालती है तो ये देखकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। ये क्या मजाक है राजू, तुमने यहाँ बुलाकर हमारा अपमान किया है। हम लोग भूखे जरूर हैं, पर भिखारी नहीं है। ये क्या है, ऐसा लग रहा है कि हमको भीख दी जा रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कृपया करके आप लोग कुछ गलत न समझें। आप माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर खाना शुरू कीजिए, जैसे ही आपको खाना कम पड़ेगा मैं और खाना दे दूंगी। शुरू करने के लिए भी तो थाली में खाना होना चाहिए ना, ये तो दो निवाले से ज्यादा है ही नहीं। आप दो निवालों से शुरू कीजिए, बाकी अनु फिर से देगी आप सभी को खाना। सभी लोग खाना शुरू करते हैं, पर जैसे ही वो दूसरा निवाला खाते हैं सबका पेट भर जाता है। किसी को और चाहिए? मेरा तो पेट भर गया। मेरा भी पेट भर गया। सभी लोगों का पेट भर गया था, ये देखकर सभी लोग हैरान भी थे। ये क्या है राजू, हम सभी का पेट दो ही निवालों में कैसे भर गया? हमारी अनु को माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है, उसके हाथों से सिर्फ दो निवाले खाने से भी पेट भर जाता है। सभी लोग अनु को माँ अन्नपूर्णा का अवतार मानते हैं और उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। जब तक गांव में अनाज की समस्या खत्म नहीं होती तब तक अनु अपने हाथों से ही सभी को खाना बनाकर खिलाती है। भागलपुर गांव में रंजीत रहता था। गांव में सूखा पड़ने की वजह से वो पूरी तरह से जमींदारों के कर्ज में डूब चुका था। पूरे गांव से रंजीत कर्जदार हो गया था। अनपढ़ और नाकामयाब होने की वजह से रंजीत शहर जाकर गांव वालों से छुपकर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। अपने गांव से निकलते ही भिखारी के वेश में आकर वो शहर चला जाता। भगवान के नाम पर दे दो बेटा, बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, गरीब भी हूँ। ठीक ठाक तो दिख रहे हो, जाकर काम क्यों नहीं कर लेते?
बेटे अगर कुछ देना है तो दो वरना रास्ता ना पो। रंजीत हमेशा ऐसा ही करता, हमेशा गांव से शहर आकर सड़कों और तरह तरह की जगहों पर भीख मांगता और अपने दिन की कमाई करके गांव चला जाता। जमींदार साहब वो देखिए वहां से रंजीत आ रहा है, उससे अपने खेत का ब्याज मांग लीजिए वरना कल सुबह फिर से भाग जाएगा। तुमने सही कहा, अब तो ये मेरे सोने के बाद गांव आता है और मेरे उठने से पहले गायब हो जाता है। जमींदार और मुंशी रंजीत के घर आ पहुंचते हैं। आज तुम्हारे दर्शन हुए हैं मालिक, आपने मेरे सारे खेत ले लिए, अब बस ये छोटी सी कुटिया ही बची है, आप इसे भी हथियाना चाहते हैं? तुम ब्याज नहीं भरोगे तो हम सब ले लेंगे, इस घर को भी। ये लीजिए आपके ब्याज के पैसे, और अगले महीने मैं पूरे पैसे देकर अपना खेत छुड़ा लूंगा। रंजीत के हाथ में पैसे देखकर दोनों भौचक्के रह गए। जमींदार ने पैसे लिए और घर की चौखट से गुस्से से चला गया। इसके पास इतने पैसे आए कहां से? और भाव ताव से तो पता चल रहा है कि ये कोई गांव का बड़ा साहब हो। और बातें तो ऐसी कर रहा था कि ये सारी जमीनें खरीद लेगा हमसे। और ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। रंजीत हमेशा गांव से सुबह शहर के लिए वेश बदल कर निकल जाता और शहर जाकर फिर से भिखारी बनकर भीख मांगकर पैसे जमा करता। एक दिन जमींदार अपनी पत्नी मंगला को शहर में समंदर दिखाने के लिए लेकर गया हुआ था। वहां जाकर जमींदार ने देखा कि रंजीत भीख मांग रहा था। तुम मुझे एक दोगे, भगवान तुम्हें 10,000 देगा। अच्छा तो ये है तुम्हारा नया खेल, गांव में बड़े ठाठ बाट से घूमते हो और यहाँ आकर भीख मांगते हो। कृपा करें मालिक, कृपा करें, ऐसा ना करें, मैं ये बस अपना घर चलाने के लिए करता हूँ। मैंने आपके पूरे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और मैं जल्द से जल्द आपके पास आने ही वाला था। तुम बस गांव चलो और वहाँ चलकर देखना, तुम्हारा रहना दुश्वार हो जाएगा। जमींदार और मुंशी ने मिलकर पूरे गांव वालों को ये बात बता दी। रंजीत जहाँ कहीं भी जाता लोग उसे भिखारी कहकर शर्मिंदा करते। अरे वो देखो गांव के सबसे बड़े भिखारी गांव में आ रहे हैं। हाँ हाँ जल्दी से जेब से चिल्लर निकालो, इन्हें भीख भी तो देनी है हमें। पूरे गांव से रंजीत अपने भिखारी होने के ताने सुन सुन कर थक हार कर परेशान होकर भागलपुर गांव छोड़कर चला जाता है। उस जमींदार ने मेरी जमीन ले ली, मेरा घर ले लिया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। भगवान ने अनाथ भेजा था, आज इस उम्र में भी मैं अकेला ही हूँ। इस जीवन में रोने से अच्छा है कि मैं ये जीवन ही त्याग दूँ। रंजीत ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर गहरी सोच में पड़ा ही था। वहाँ पर एक तपस्वी साधु तपस्या में लीन थे और उनकी आँख खुल गई। उन्होंने देखा कि रंजीत उस पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। तुम बहुत परेशान लग रहे हो बालक, क्या समस्या है? और यहाँ इस चोटी पर सालों से कोई नहीं आया, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं क्या बताऊँ, मेरी जिंदगी यहाँ पहाड़ से इस खाई से भी ज्यादा गहरी और बेकार है। रंजीत अपनी सारी बातें उस तपस्वी साधु को बताता है। मेरी तपस्या भंग करने का मैं तुम्हें दंड भी दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी परेशानी बहुत जटिल है, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतरीन उपाय है। तपस्वी साधु ने अपने कमंडल से पानी का जल निकालकर रंजीत के ऊपर छिड़क दिया। रंजीत ने जैसे ही आंखें बंद की, रंजीत के ऊपर एक बड़ी सी रोशनी आ गई और रंजीत अपने भिखारी के वेश में आ गया। ये आप क्या कर रहे हैं और मैं इस भेष में कैसे आ गया? मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, तुम जब भी इस भेष में कुछ भी भिक्षा लोगे वो भिक्षा 4 गुना ज्यादा हो जाएगी, लेकिन सिर्फ इस भेष में रहने पर ही, और इसकी शुरुआत मैं करता हूँ। आप क्या करने वाले हैं गुरुजी? मैं ये सोने के सिक्के तुम्हें भिक्षा में दे रहा हूँ। बहुत कम ऐसे होते हैं जिन्हें साधु भिक्षा देते हैं,
मैं इसे तुम्हें आशीर्वाद के तौर पर दे रहा हूँ। मैं इसे एक सपना समझूं या क्या समझूं? ये मेरे साथ भगवान ने कैसा खेल खेला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही तपस्वी साधु ने एक सोने का सिक्का दिया, रंजीत के भिखारी के वेश में होने के कारण वो सिक्का चार गुना ज्यादा हो गया। रंजीत की आंखें उन सिक्कों को देखकर हैरान हो गई। रंजीत ने उन सिक्कों को शहर जाकर एक जौहरी की दुकान पर बेच दिया और सारे पैसे लेकर गांव के पास वाली जमीन में एक बड़ा सा घर बनवाया। ठेकेदार साहब, मेरा ये घर बहुत बड़ा बनवाना, मुझे मेरे भागलपुर गांव वासियों को इस जमीन पर दावत देनी है। जो आदमी सड़कों पर भीख मांगता था, आज वो इस तरह का कैसे हो गया? समय का खेल है बस, तुम सिर्फ अच्छे से बड़ा सा घर बनवा दो, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। बड़ा सा घर बनाकर रंजीत भागलपुर गांव वालों से अपने बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। रंजीत को जो भी शहर में भीख देता, तपस्वी साधु के कृपा से वो चार गुना ज्यादा हो जाता। देखते ही देखते रंजीत भिखारी से अमीर बन गया। लेकिन रंजीत का सारा व्यवहार भिखारी जैसा ही था। उसने अपने बड़े से घर में एक बड़ी सी दावत रखी और उसने जमींदार, मुंशी और सारे गांव वालों को बुलाया। उसने अपना नाम छुपाकर सारे गांव वालों को न्योता दिया। सुनो सुनो सुनो, भागलपुर गांव के पास जो बड़ा सा महल बना है, वहां के मालिक ने पूरे भागलपुर वासियों को दावत पर बुलाया है। सुनो सुनो सुनो। जमींदार साहब, मैंने अंदर जाकर उस महल को देखा, वो बहुत बड़ा महल है, हमें चलना चाहिए, वहाँ जाकर हमें भी फायदा हो सकता है। अच्छा, तब तो हमें जरूर चलना चाहिए। सारे गांव वाले दावत के नाम पर बहुत खुश हो जाते हैं और दावत पर चले जाते हैं। उस दावत में रंजीत अपने भिखारी के वेश में ही होता है। उसे वहां देखकर जमींदार और मुंशी कहते हैं, तुम यहां भी आ गए, घर बसा नहीं कि भिखारी पहले ही आना शुरू। आने दो मालिक, आने दो, अच्छी भीख मिल जाएगी ना यहां पर। जमींदार और मुंशी की बात सुनकर वहां पर ठेकेदार आ जाता है और वो कहने लगता है, जिसे आप भिखारी समझ रहे हैं, ये बड़ा सा महल उनका ही है, ये क्या बकवास है। ठेकेदार तुम होश में तो हो, मैं सच कह रहा हूँ, ये महल मैंने ही बनाया है और ये रंजीत जी का ही महल है। लेकिन ऐसे कैसे, ये तो शहर में भीख मांगा करता था और आज इतने बड़े महल का मालिक रंजीत कैसे हो गया? तब वहाँ रंजीत कहता है, मैं तो बस अपने हालातों की वजह से भीख मांगा करता था, लेकिन आप सब अपने कर्मों से मांग रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ ना होकर भी अब सब कुछ है। रंजीत की बात सुनकर दोनों बहुत उदास हुए और सारे गांव वाले शर्मिंदा हो गए और रंजीत से माफी मांगने लगे। लेकिन उसके बाद भी रंजीत शहर जाकर भीख मांगकर अपनी जिंदगी जीता था। पालनपुर नाम का एक खुशनुमा गांव था। वहां के लोग बड़े ही काबिल और पढ़े लिखे थे। प्रेमलाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पालनपुर में रहता था। बाकी गांव वालों की तरह वो मेहनती और काबिल नहीं था। गांव का कोई कोना नहीं बचा था जहां प्रेमलाल ने उधार ना मांगी हो, इसलिए गांव वालों ने उसका नाम प्रेमलाल से उधारी लाल रख दिया था। उसकी पत्नी माधुरी भी उसके उधार लेने से बहुत परेशान थी। अजी कहां गए, मैं कब से आपको आवाज लगा रही हूँ। हाँ भाग्यवान आया, अरे मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही तो हूँ। आपके यहाँ साथ रहने से कुछ नहीं होगा, आपको जाकर बाहर काम भी करना पड़ेगा और वैसे भी पूरा गांव उधारी के ताने मार मार के हमारा जीना हराम कर रखा है। अरे अब क्या हो गया, पूरा गांव तो खामखा हमारे परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। गांव में अगर पत्ता भी गिर जाए तो सबको लगता है उसके पीछे मेरा ही हाथ है। इतना कहकर उधारी लाल घर से बाहर चला गया और बाजार जाकर उसने घर का राशन लेने का सोचा।
बाजार जाते वक्त उधारी लाल को जमींदार और महाजन उसे देखकर, अरे जमींदार साहब, वो देखिए उधारी लाल अब नजर आया है। ये पैसे ले लेता है और नजर नहीं आता। चलिए इससे अपने पैसे वसूलते हैं। अरे भाई हाँ, सही कह रहे हो। उधारी लाल ने मुझसे अभी 4 दिन पहले ही 2000 रुपए लिए और कह रहा था कि रात को दे दूंगा, और 4 दिन हो गए हैं, ना पैसे दिए और ना नजर आया। अरे दामोदर भैया, जल्दी से मुझे महीने भर का राशन दे दो। ये लो सामान की पर्ची, और हाँ मेरे हिसाब में इसका सारा बिल लिख लेना, ठीक है? अरे कैसा हिसाब, तुमने पिछले 4 महीने से कोई हिसाब नहीं किया। मेरी दुकान में बोर्ड लगा है और बोर्ड पर लिखा है आज नकद कल उधार, लेकिन तुमने तो इस बोर्ड का गलत मतलब समझ लिया है। इस पे ये नहीं लिखा कि हमेशा उधार दो और नकद ना लो। या तो तुमने मुझे बहुत बड़ा दानवीर समझ लिया है, और या तो तुम मेरे ससुराल से आए हो जो मैं तुम्हें उधार में दे दूं। हाँ अरे मैंने आपको 6 महीने पहले ही पूरे पैसे दिए थे, और अब आप फिर से पैसा मांग रहे हैं। 6 महीने पहले तो ऐसे बोल रहा है जैसे कल की बात है। चुपचाप पैसे फेंको और तमाशा देखो, मैं तंग आ गया हूँ तुमसे। आज मैं कुछ सामान नहीं दूंगा तुम्हें। अरे अरे दामोदर भैया, एक बार मेरी पगार आ जाने दो, मैं तुम्हारे पैसे ऐसे दे दूंगा, ऐसे बस पलक झपकते ही तुम्हारे पैसे दे दूंगा। हैं? क्या कहा तुमने, पगार? अरे ये कैसी अमृतवाणी तुम्हारे मुंह से निकल गई, पगार? और तुम जैसे बेरोजगार और उधारखोर इंसान को कौन काम पर रख रहा है? हा? जरा मुझे भी तो बताओ, मैं जाकर उसके चरण धोकर पीऊंगा। और तभी वहाँ जमींदार और महाजन आ जाते हैं। अरे देखो आज चांद आखिरकार निकल ही आया, बड़ी खरीदारी हो रही है, क्या बात है? उधारी लाल, अब किस बेचारे ने तुम्हें उधार दे दिया? अरे दूसरों की बातें छोड़ो, हमें तो ऐसा लग रहा है कि दामोदर ने ही उधारी दे दी है। अरे जी नहीं जमींदार साहब, मैंने कोई उधारी नहीं दी और ना ही मैं दूंगा। जमींदार और महाजन ने उधारी लाल को बहुत ताने मारे और वो दुकान से बिना सामान लिए ही चला गया। तभी उसी वक्त गांव से एक ज्योतिष आ रहे होते हैं। उधारी लाल उन्हें देखकर उनकी ओर बढ़ जाता है। ज्योतिष को देखते ही उधारी लाल उनसे पूछने लगता है, ज्योतिष जी, बड़े दिनों बाद आपका गांव में आना हुआ, आप इतने दिनों तक कहाँ थे? उधारी लाल, तुम यहाँ? वो सब ठीक है, लेकिन मैं कोई उधार नहीं देने वाला। अरे मैं उधार मांगने नहीं, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आप मेरा हाथ देख लें और मुझे बताइए कि इन सारी समस्याओं का हल कब और कैसे होगा। समस्या का हल तो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें पता है ना कि बिना कुछ दक्षिणा लिए मैं हाथ नहीं देखता। आप इसकी कोई तरकीब बताइए, मैं तुरंत आपको दक्षिणा दे दूंगा। और ज्योतिष जी उधारी लाल का हाथ देखकर तुरंत उसकी समस्या का समाधान बता देते हैं। उधारी लाल, अब तुम समझ लो कि तुम्हारा समय अच्छा आने वाला है, बस तुम्हें अच्छी लगन और निष्ठा से कुछ दिन मेहनत करनी है, बस। हुजूर, ऐसा क्या करना होगा मुझे? सबसे पहले जाकर तुम झूठ बोलकर उधार लेना छोड़ दो, और जिनसे भी उधार लिया है तुम उनसे जाकर माफी मांगो और अच्छे आदमी बनकर दिखाओ, और अपनी मेहनत के पैसों से पूरे गांव को अपने दम पर दावत देकर दिखाओ। अच्छा ठीक 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 है ज्योतिष जी, मैं ऐसा ही करूंगा। चलो लाओ मेरी दक्षिणा। मैंने आज तक किसी का उधार नहीं चुकाया, लेकिन मैं आपका उधार जरूर चुकाऊंगा, आपको जरूर आपकी दक्षिणा मिलेगी। अरे मैं दुनिया को उल्लू बनाता हूँ, ये उधारी लाल तो मेरा ही उल्लू सीधा कर गया। उधारी लाल ज्योतिष जी की बात सुनकर वहाँ से चला जाता है और घर जाकर अपने बच्चों और पत्नी से ये सारी बातें बताता है। कोई बात नहीं जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है, आप जाके गांव वालों से माफ़ी मांग लीजिए। उधारी लाल पूरे गांव में जाकर सबसे माफ़ी मांगता है और उनके पैसे उन्हें वापस देने का वादा करता है। जमींदार और महाजन इस बात से दुखी थे, उन्होंने उधारी लाल के सामने एक शर्त रखी। देखो माफी और वादे से कुछ नहीं होगा, जब तक तुम हमारे पूरे पैसे वापस ना कर दो और पूरे गांव को दावत ना करवा दो, हम गांव वाले तुम्हें
तुम्हें माफ नहीं करेंगे। उधारी लाल शर्त सुनकर संकट में पड़ जाता है और ज्योतिष जी के पास समस्या लेकर पहुंच जाता है। ज्योतिष जी उधारी लाल को चिंतित देखकर उससे पूछते हैं, क्या हुआ उधारी लाल? अब मुझे किस तरह से लूटने आए हो? मेरा मतलब है कि किस चीज की उधारी लेने आए हो? क्यों परेशान हो? क्या बाधा आ गई? हाँ, और उधारी लाल ज्योतिष जी को अपनी सारी समस्या बता देता है और उनसे इस समस्या का हल मांगता है। देखो उधारी लाल, मैं तुम्हें उधार तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ रखकर तुम्हारी एक मदद जरूर करूंगा। तुम यहाँ रोज आकर मेरे कामों में मेरा हाथ बटाओ तो मैं तुम्हें महीने की 10,000 रुपए तनख्वाह दूंगा। ठीक है जी हुजूर, मुझे मंजूर है। मैं कभी उधारी नहीं लूंगा और आपके यहाँ काम भी करूंगा और सबका उधार चुका दूंगा पक्का। इसी तरह उधारी लाल ज्योतिष जी के साथ काम करके गांव वालों के कर्जे चुका कर सबको दावत देता है और अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जीता है।